बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, ये परंपरा है प्राचीन भारत में, ये परंपरा है भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की। जिस तरीके से शिक्षकों का अपमान कल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने किया, मैं मानता हूं कि मोहन यादव ने उनका इसी वक्त इस्तीफा लेना चाहिए। और अगर मोहन यादव इस्तीफा नहीं ले तो मोहन यादव प्रदेश के शिक्षकों से माफ़ी मांगना चाहिए। 5 साल के लिए आए हैं मेहमान बनकर और शिक्षकों को डराएंगे धमकाएंगे। मेहमान बनकर शिक्षक अतिथि शिक्षक नहीं आए, आपकी व्यवस्था में लूंच पूंच था, कमियां थी, इसलिए अतिथि शिक्षक उनको बन के बच्चों को शिक्षा देनी पड़ी। अगर आप व्यवस्थित करते तो इनको नियमित करते, इनकी लगातार नियुक्तियाँ होती तो नियमित स्कूल परंपरागत जो चलते हैं उसमें शिक्षकों की जो भर्ती PSC के माध्यम से होती है वैसे होती, या स्कूली शिक्षा विभाग के कोई और तरीका होता उससे होती। यानी आपकी कमी, आपका पाप भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार के पाप का घड़ा अतिथि शिक्षकों पर फोड़ते हो, ये निंदनीय है। आपको ये तो समझ में आया कि अतिथि शिक्षकों को आपने मेहमान बनाया, कब्जेधारी बनाया, पर आपको ये समझ नहीं आया आदरणीय शिक्षा मंत्री जी कि शिक्षा विभाग के पोर्टल के मुताबिक 47 जिलों में सिंगल स्कूल टीचर है, एक शिक्षक का स्कूल है। ये आपको समझ में नहीं आया कि पूरे प्रदेश में स्कूलों की संख्या 6,858 है, इसमें से 420 सिंगल स्कूल सिर्फ शिवपुरी में है। शिवपुरी जहाँ के सांसद ज्योतिराज सिंधिया जिन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं होगा तो मैं सड़क पे आ जाऊँगा, आपने सरकार गिरा दूंगा, सरकार गिरा दी। उसी शिवपुरी में 420 शिक्षक सिंगल टीचर के हैं। आपको ये भी पता है कि सतना और रीवा जिले में सिंगल टीचर स्कूल 400 से ज़्यादा है, जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। आपको ये समझ नहीं आया आदरणीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, आप पद पे बैठे, आपकी 20 साल के 25 साल की सरकार है, अभी भारी बहुमत से आप चुन के आए। आपने हैरानी की बात तो ये कि 46 जिलों में 1,275 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, सिंगल एक शिक्षक नहीं है, और आप अपमान करते हो शिक्षकों का। ये क्या तरीका है कि पिछली बार की तुलना में स्कूल का बजट आपने 28,000 से 32,000 करोड़ कर दिया, 28,000 से 32,000 करोड़, और पिछले 10 साल में स्कूली शिक्षा के बच्चे 50 लाख कम हो गए। कैसा मैनेजमेंट है, कैसा प्रोत्साहन है, कैसा स्कूल चलो अभियान है, क्या तरीका है ये कि मध्य प्रदेश में 92,695 स्कूलों में से 18,000 से ज्यादा क्षतिग्रस्त स्कूल है। 92,000 स्कूल में से 18,000 स्कूल, यानी 40-33% स्कूल कब भी गिर जाएंगे। अभी स्कूल गिरा था नरसिंहपुर में, सतना में, सागर में, जब बच्चों की जान चली गई वो समझ में नहीं आया इनको, इनको माफी नहीं मांगते आई। किस तरीके का शिक्षा है, भविष्य का आईना दिखाता है किसी भी प्रदेश और देश को। जो शिक्षक होता है ये नींव डालता है भविष्य की, बच्चों को संस्कारित बनाता है, शिक्षित बनाता है, जिससे किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता है। वहां पर एक मंत्री इस तरह के वक्तव्य शिक्षकों के लिए दे रहा है। मैं मानता हूं करीब 2000 स्कूल में बच्चे बैठने के लिए क्लासरूम नहीं है। ये किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है आपकी, केवल करप्शन की, भ्रष्टाचार की, अपमान की। MP में करीब 15-25,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, नियमित करने के लिए शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और ये सरकार उनको उल्टा अपमानित कर रही है। किस तरीके के बच्चियों को लेकर बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों को लेकर कल स्कूल में किस तरीके का अपमानित हुआ, मध्य प्रदेश कलंकित हुआ, जो आज मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया। कैसी 8% स्कूलों में बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है, जहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री टॉयलेट का अभियान चला रहे थे। मैं मानता हूं कि मैंने जैसा शुरुआत की थी कि हम जब हमारे पास 15 महीने की सरकार आई थी, हमने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए प्रयास चालू कर दिए थे, हमने एग्जाम्स चालू कर दी थी, हमने अतिथि विद्वान जो थे कॉलेज में उनके 80% का रिक्रूटमेंट लीगल कर दिया था, हमने कोशिश की कि ये नियमित कैसे, उसके लिए प्रयास चालू कर दिए थे। जब वो आंदोलन करते थे हम अपमानित नहीं करते थे, उनके पास जाके बातें करते थे, उनकी बातें सुनते थे, ताने सुनते थे, उसके बाद भी संयम रखते थे। मैं
अतिथि शिक्षा अतिथि विद्वान हमारे जितने शिक्षक परिवार के लोग हैं, शिक्षा कर्मी हैं, जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, आग्रह करना चाहता हूँ आप सबसे कि आप ही लोग हो जो इनको मदद करते हो, आप ही लोग हो जो इनकी सरकार बनाते हो 20 साल से। अगर आप ऐसे अपमानित होकर भी इनकी सरकार बनाओगे तो फिर विपक्ष क्या करेगा, कांग्रेस क्या करेगी? आपको भी जागना पड़ेगा कि आखिर हमें आप ताकत नहीं दोगे, मदद नहीं करोगे तो हम इनसे मुकाबला कैसे करें? हम कैसे आपकी शक्ति से ही हमारी शक्ति है, विपक्ष की शक्ति है। मैं फिर से एक बार अनुरोध करता हूं कि मैंने बहुत गंभीरता से लिया है इस पूरे प्रकरण को, कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लिया है। मैंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी आग्रह किया कि मध्य प्रदेश में अब शिक्षकों का अपमान हो रहा, सत्ता के मद में ये सरकार मदमस्त हो गई, ये सरकार के मंत्री सिर्फ करप्शन करना चाहते हैं। अरे शिक्षा मंत्री के पास परिवहन मंत्रालय भी है, वहाँ करप्शन नहीं हो रहा है तो शिक्षकों पे उसकी भड़ास निकाल रहे हैं, वहाँ पे इनके आपस में तालमेल नहीं बन रहे हैं कहीं अलग अलग प्रकार के, तो उसकी कुंठा सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं। क्या कारण है? हम मोहन यादव जी को 25 बार कह चुके हैं कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, जनता की आवाज उठाना चाहते हैं, आपसे सुधार की अपेक्षा हम चाहते हैं। आपकी 5 साल सरकार चले, आपको पूर्ण बहुमत मिला, पर आप ही के मंत्री अनर्गनर आरोप आप पे लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपको अस्थिर करना चाह रहे हैं? मैं फिर से जैसा मैंने मोहन यादव जी से आग्रह किया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, अन्यथा आप प्रदेश के शिक्षकों से माफी मांगो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी शिक्षकों के पक्ष में आंदोलन चालू कर देगी। हम शिक्षकों के लिए सड़क पे आएंगे, हम ये गुरु परंपरा इस प्रदेश की, इस देश की, भारतवर्ष की, प्राचीन भारत की, उसकी रक्षा करने के लिए हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है, उसकी पालना करेंगे। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी को एक नया आंदोलन दे रहा हूँ जिसमें युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ता हर जगह जगह जाके स्कूलों में जो हमारे शिक्षक है उनके पाद पूजन करेगी और उनसे इनको सद्बुद्धि की प्रार्थना करेगी, सरकार को, इस सरकार को सद्बुद्धि मिले, इसके मंत्री को सद्बुद्धि मिले, इसका पूरे प्रदेश में आंदोलन NSUI चलाएगी, यूथ कांग्रेस चलाएगी, हमारी महिला कांग्रेस चलाएगी कि शिक्षकों का अपमान हुआ है उसका सद्बुद्धि की प्रार्थना भी करेगी और पाद पूजन करेगी। ये सारे जिलों में कार्यक्रम होगा। और मैं फिर से मोहन यादव जी, आप माफी मांगो या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। ये शिक्षकों का अपमान मध्य प्रदेश सहन नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। धन्यवाद। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटे ही रीवा।